आज हमारा 8th एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का. अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स. हमारे पास 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जिसमें से 7 सेलेक्ट करने हैं. टोटल 7 सेलेक्ट करने हैं. इन हाउ मेनी वेज़ कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ नो गर्ल. फर्स्ट पार्ट है कि कोई भी लड़की ना हो, तो लड़कियों की तो बात ही रिमूव कर दो, बस 9 बॉयज़ में से 7 सिलेक्ट करने हैं या 7 का कमेटी बनानी है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल. द सिंस द कमेटी इज़ नॉट टू कंसिस्ट ऑफ एनी गर्ल, देयरफॉर ओनली बॉयज़ आर टू बी सिलेक्टेड, 7 बॉयज़ आउट ऑफ 9 बॉयज़. तो 9c7 हो जाएगा. हमें पता है 9cr इज इक्वल टू 9cn-r, डेट इज 36 आ जाएगा. सेकेंड है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. 7 में से 3 तो कितनी होनी चाहिए, लड़कियाँ. बॉयज़ कितने लेंगे, यानी 4. 9 में से 4 बॉयज़ आ जाएंगे, 9c4, और 4 में से 3 लड़कियाँ, यानी 4c3. दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगा, टोटल हमें नंबर ऑफ वेज देंगे. अ कमेटी ऑफ 7 कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स ऑफ 4 आउट ऑफ 4. 4 में से कितनी लड़कियाँ सेलेक्ट करनी है, 3. एग्जैक्टली 3 लड़कियाँ होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. और तो बच्चे कितने, टोटल कमेटी में मेंबर कितने चाहिए, 7. तो कितने बच गए बच्चे, 4. ठीक है, तो 9 में से 4 सेलेक्ट करेंगे और 4 में से 3, डेट इज़ द टोटल वेज, डेट इज़ 504. थर्ड है एटलीस्ट 3 गर्ल्स. अब टोटल हमें कितनी गर्ल्स, टोटल हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, 4. हमें कम से कम 3 गर्ल्स तो लेनी ही हैं, और हम चारों भी ले सकते हैं. जब मैं 3 गर्ल्स लूँगी तो बॉयज़ कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 4. ठीक है, लेकिन जब मैं 4 गर्ल्स लूँगी तो बॉयज़ कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3. तो हमारे पास दो वे अलग अलग निकलेंगे, उन दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ वेज बनेगा. सी पार्ट देखिए. थर्ड, ए कमेटी ऑफ 7 कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज. सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 4 में से 3 तो लड़कियां सेलेक्ट की, तो 9 में से बॉयज़ कितने सेलेक्ट होंगे, 4, क्योंकि लड़कियां कितनी की हैं, 3, और टोटल कितने करने हैं, 7. तो ये हमारे नंबर ऑफ वेज बनेंगे. फिर सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4, 4 में से 4 लड़कियां ले ली. ठीक है, तो 9 में से बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे, 3. ठीक है, एक नंबर ऑफ वेज ये बनेगा, 4c4 मल्टीप्लाइड बाई 9c3. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेज आ जाएगा. फोर्थ पार्ट है एटमोस्ट 3 गर्ल. ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा. बच्चे देखो, हो सकता है हम एक भी लड़की ना लें, हम 9 में से 7 के साथ बॉयज़ ले लें. ठीक है, हो सकता है हम एक लड़की लें और 6 बॉयज़ लें, हो सकता है हम 2 लड़कियाँ लें और 6 बॉयज़ लें, सॉरी 5 बॉयज़ लें, और हो सकता है 3 लड़कियाँ लें और 4 हम क्या लें, बॉयज़ लें. ये सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग निकलेंगे विद द सिमिलर वे. ठीक है, और इन सब का सम टोटल नंबर ऑफ वेज बनेगा. ठीक है, लास्ट है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. एक कम से कम लड़का जरूर होना चाहिए, कि कम से कम एक लड़का हो. एक लड़का ले लिया, बाकी सारी लड़कियां ले ली, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है. अगर मैं सारी की सारी लड़कियां भी लूँगी तो लड़कियां तो 4 ही हैं, तो मुझे मिनिमम बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे, 3 बॉयज़ तो मुझे लेने पड़ेंगे. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी 3 बॉयज़ हों और चारों की 4 लड़कियाँ हों. हो सकता है 4 बॉयज़ हों और 3 गर्ल्स हो, हो सकता है 5 बॉयज़ हों और 2 गर्ल्स हों, हो सकता है 6 बॉयज़ हों और 1 गर्ल हो. हम 7 बॉयज़ की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 7 के साथ बॉयज़ सिलेक्ट कर लूँगी तो गर्ल्स तो 9 गर्ल्स आ गई, लेकिन कम से कम एक लड़की भी ज़रूर होनी चाहिए. तो ये चारों वेज बनेंगे, इन चारों को निकालेंगे अलग अलग और इन सब का सम हम कर देंगे, डैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वे.